Not even close, baby! Technoblade never dies! Technoblade never dies. Hello guys, what's up? तो आज हम टेक्नोब्लेड को छोटा सा एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे और हम आज उनकी स्किन में ही आज की पूरी जो एपिसोड है गेम प्ले है वो करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि टेक्नोब्लेड अब इस दुनिया में नहीं रहे, बताया जा रहा है कि उनको कैंसर था इसलिए वो हॉस्पिटल में थे काफ़ी टाइम से और उनका एक हाथ भी कैंसर की वजह से ही कट चुका था। और गेमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माइनक्राफ्ट में काफ़ी जो है उनको लोग जानते थे, मैं भी काफ़ी टाइम से उनको देखता था। उनके चैनल पे इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 10 मिलियन अभी कुछ ही महीनों पहले उनके हुए थे और अभी उनके कुछ 13.4 आई थिंक उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी एक जो अभी लास्ट वीडियो आई है उनके फादर की तरफ से, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनके बारे में बताई हैं कि वो अपने जो चैनल के जो ऑडियंस है उनसे जो बातें करना चाह रहे थे वो उन्होंने वहाँ कहीं पे रखी हुई थी। और ये लास्ट क्लिप भी उनकी जो ऑडियो का वो दिखाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं उसमें कि जब तक ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। तो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी गेमिंग की दुनिया में उन्होंने इतना नाम कमाया कि हम हमेशा उनको याद रखेंगे। माइनक्राफ्ट मतलब टेक्नोब्लेड, उनका पीवीपी, उनको ब्लेड के नाम से जानते थे सारे लोग जो भी उनके पास से। मुझे ये मिली है उनकी स्किन, आज मैं यही पहन के खेलूंगा। और आज की वीडियो में हम वैसे भी वीदर को मारने वाले थे, कुर्बानी की ईद आ रही है वैसे भी, तो आमद आमद है, तो हम आज की इस वीडियो में कुर्बान करेंगे तो वीदर को उतारेंगे। टेक्नोब्लेड काफ़ी उनके दुख हुआ मुझे क्योंकि मैं टेक्नोब्लेड को जानता था जब मैंने ये SMP यही वाला मैप जो है अभी तक मैं खेल रहा हूँ, ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इधर उधर की गेम्स ट्राई करने शुरू कर देता हूँ और माइनक्राफ्ट से थोड़े टाइम के लिए मेरा जो है ध्यान हट जाता है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये जब मैंने SMP बनाई थी बहुत सारे मेरे साथ लोग थे, मैं नया नया चैनल था, यूट्यूब पर रिकमेंड होता था, लाइव स्ट्रीम में किया करता था मुझे याद है, और उस वक्त मेरे साथ बहुत सारे बंदे थे। तो मैंने जो SMP बनाई थी इससे पहले वाली एक वर्ल्ड थी मेरे पास, तो पब्लिक SMP थी, तो वे बहुत सारे लोग आते जाते थे। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ, मैंने इतनी सारी बिल्ड्स करी और सारी क्योंकि वो लकड़ी की थी, तो एक बंदा आया, उसने ऐसी स्किन पहनी हुई थी टेक्नोब्लेड की, तो उस वक्त मुझे पता नहीं था टेक्नोब्लेड के बारे में इतना, तो पहनी हुई थी स्किन, तो उस बंदे ने आके मेरी इसको आग लगा दिया। और मैंने किसी के मुंह से एक बात ये नाम सुना उस वक्त पहली बार, टेक्नोब्लेड आया हुआ था तुम्हारी वर्ल्ड में, मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि ये तो एक यूट्यूबर हैं बहुत बड़े माइनक्राफ्ट के, जो कि PvP वगैरह करते हैं और कुछ SMPs वगैरह मेरे ख्याल से ड्रीम SMP में भी खेलते हैं, तो आर्मर पहन लेते हैं, सेफ्टी रहेगी। तो वहाँ से मुझे पता चला था, तो मैं उनको काफ़ी देखना शुरू किया। फिर उनका एक डायलॉग जो है टेक्नोब्लेड नेवर डाइस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्या करना था कि हमें मारनी थी विदर, ये आर्मर में कुछ अलग ही इनकी स्किन लग रही है, तो बाद में हम स्किन वापस जो अपनी पहन लेंगे तो इसी से व्यूज़ नहीं लेंगे। और मुझे लग रहा है कि कोई बंदा कह रहा है कि व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, व्यूज़ के लिए तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन मुझे व्यूज़ आते कहाँ हैं जो मैं व्यूज़ के लिए करूँगा। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं इस चैनल पे जो मैंने पिछले कुछ 2-3 या 6 महीने से डाली हैं, उन सब पे व्यूज़ चेक करें पहले, फिर आपको पता चल जाएगा, सब पे 0-0 व्यूज़ हैं, किसी 1-2 पे 5 व्यूज़ आ जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी मेरे पास ये 3 विदर की जो स्कल्स हैं ये जो मैंने अपने हाथ में उठाई हुई हैं, तो एक तो मैंने ज़मीन पे भी लगा दिया है, ये ज़मीन पे लगाने पे कुछ भी स्पॉन नहीं होता, तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगी कल जो कि मैंने पिछले वीडियो में इकट्ठी कर दी थी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, तो विदर का भी खेल तमाम कर देते हैं, फिर अगले मॉब्स को भी मारना है, अभी बहुत सारे मॉब्स बाकी हैं। ये मेरा ज़िंदगी का पहला विदर है जिसको मैं मारूंगा,
और सोल सैंड मेरे पास अभी नहीं है, सोल सैंड होनी चाहिए यहाँ पे कहीं पे। हाँ सोल सैंड है, बहुत बहुत है, सोल सैंड की कोई कमी नहीं है यहाँ से। तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 चाहिए होंगी मुझे, 5 निकाल लेते हैं और सीधा कहीं पे चलते हैं, कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे इसको स्पॉन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यहीं नीचे कहीं पे चलते हैं और स्पॉन करते हैं, या कहीं और चला जाए, वो जो एंड पोर्टल है उसके पास कहीं पे चलते हैं, या फिर एंड पोर्टल के पास चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव भी है और मेरी जगह है, तो ये मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मेरी जगह ख़राब हो। मेरे पास फूड है और सब कुछ मैंने पिछले एपिसोड में तैयार किया हुआ था, तो आपने अगर नहीं देखी वो एपिसोड तो देख लेना जाके। यहाँ से चलते हैं नीचे अपने दूसरे स्पॉनर के पास, तेज़ी से चलते हैं, दूसरे पोर्टल में घुस जाते हैं। और ये बंदा तो मेरे पीछे ही आ रहा है, ये वाले कुछ नहीं कहते जब तक इनको मारो ना। मैं कहीं और पे आ गया हूँ, ये वाला पोर्टल नहीं है, वो दूसरा पोर्टल है, तो गलती से मैं वापस उसी जगह पे आ गया हूँ। उस तरफ है हमारा विलेज, इस तरफ से ये मेरे ख्याल से वो जो हमने बनाई थी ना, वो वहाँ पे फोर्टस है, उसके ऊपर जो वाला पोर्टल है वही वाला है, उसकी तरफ से चलते हैं हम सीधे। जल्दी जल्दी से काम तमाम करते हैं आज की वीडियो, कोशिश करता हूँ छोटी बनाऊँ, काफ़ी लंबी वीडियोस होती हैं लेकिन कोई देखता नहीं है। इससे मैग्मा क्रीम मिलती है जिससे हम पोशन बना सकते हैं, हीट का ये लावा का, ये पीछे पड़ गए मेरे वो। बंद करते हैं, ये बहुत सारे बंदे विदर स्कल स्केलेटन ने मेरे ख्याल से मारा है मुझे। यहाँ पे आग लगी हुई है, ये वाला पोर्टल है, मैं चलते हैं सीधे और वहाँ कहीं पे अंडरग्राउंड, ये देखो ये वहाँ से गिर के यहाँ आ गया भाई, ये कैसे। ले लेते हैं मैग्मा क्रीम, फ्री की मिल रही है तो एक बच के ये है। छोटा सा फिर भी जोर से मार दो, तो इस तरफ चलते हैं, उसी के अंदर इसको स्पॉन कर लेते हैं। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इसको अकेला मारूंगा, मेरे पास हैरोज ये तो उड़ता भी है, तो ओह यहाँ पे वो है बूमर और वो भी है, विच भी है, इधर तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रखे हैं। और मैं वो चेक कर लेता हूँ अपने पास वो है कि नहीं है, कोई है तो नहीं इधर, क्रीपर इधर बहुत है तो पास आके पट जाएगा इधर, मुझे पक्का पता है, तो वो चेक कर लेते हैं, वो नहीं है, ये तो पीछे ही आ गया एक। एक ये खड़ा हुआ है, कल मिल गई यार, चार स्कल हो गई हैं, पहले मिली नहीं रही थी, जब मिली तो एकदम से मिल गई। और एक ये भी लेके चलते हैं, चलो घर वाले करीबी पोर्टल से आ गए हैं, घास भी काफ़ी हमारे पास थी, तो रात हो गई है, सबसे पहले हम सो जाते हैं, फिर इसके बाद हम वो पता करते हैं वो कहाँ पर है, वो इन्फिनिटी अगर मेरे पास हो, मल्टी शॉट है, क्विक चार्ज है, वन
स्माइट है, तो अभी मुझे बो चाहिए एक जिसके ऊपर लगा हो इन्फिनिटी, और कुछ और थोड़ी सी उस पर एन्चेंटमेंट्स हो। तो मेरे पास स्टिक्स हैं, स्टिक्स से 2 स्टिक हैं और लकड़ी भी है। स्पाइडर के वो चाहिए होते हैं ना, स्पाइडर के वो होंगे यहाँ पे, ये स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स और एक स्टिक, अगर यहाँ पे कहीं पे मुझे मिले। वो एक मुझे नज़र आई है यहाँ पे, ये देखो इसकी पावरफुल है। 2 बोस तो मेरे पास पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, और मेरी 32 है ये XP। एक तो आराम से इसमें एन्चांटमेंट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। जल्दी से चल के एन्चांटिंग फेस जो मैंने बनाई हुई है, तो चल के तो पहले देख लेते हैं कौन सी एन्चांटमेंट्स मिलती हैं हमें। और फ्लेम मिल रही है, पावर अनब्रेकिंग, फ्लेम पावर और अनब्रेकिंग मिल रही है। बुक पे लगा के देख लेते हैं, हो सकता है इन्फिनिटी मिल जाए। और एन्चांटेड बुक्स मैंने यहाँ पे पूरा एक शल्कर भर के रखा हुआ है, इनमें भी होंगी। क्विक चार्ज है, मल्टी शॉट है, इधर भी पावर 3, मेरे ख्याल से बो पे लग जाती है। और क्विक चार्ज है, प्रोटेक्शन है, लॉयल्टी ये उस पर लगती है ना, ट्राइडेंट पे। अनब्रेकिंग 2 ये भी लग सकती है, इंस्पिरेशन नहीं लगेगी। और इतनी ज़्यादा मेरे पास बुक हुआ करती थी किसी दौर में, अब भी नहीं है। ये है, मिल गई है, चलो। और लैपिस भी मिल गया है थोड़ा सा, चलो की बात है, संभाल के रखा हुआ था, काम आएगा अभी। तो सबसे पहले डालते हैं बुक, और फिर स्माइट 4, फीदर फॉलिंग मिल रही है और अनब्रेकिंग मिल रही है। फीदर फॉलिंग तो उसके काम आ जाएगी, ये जो है हमारा आर्मर है, मेरे ऐसे बूट में लगती है ये। अब देखते हैं इस पे बो पे, अब बो कहाँ चली गई है, ये है। फिर मिले पंच, अनब्रेकिंग पावर, फिर वो मिल जाए ना, फ्लेम वाली मिल जाए ना, आग लगा दूंगा दुश्मन को एक बार। और जो मिलता है वो ले लेते हैं, फिर इसके बाद दोबारा से ये रख के देखते हैं। फ्लेम, फ्लेम मिल रहा है, अनब्रेकिंग और पावर 1, ठीक है। पर इसके लिए मुझे चाहिए XP थोड़ी सी, वो लेने जाना पड़ेगा मुझे एंड पोर्टल के अंदर वहीं से। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एंडरमैन होते हैं, और कुछ तो ऐसे ही मारना शुरू कर देते हैं। आंख में ना भी देखो तो भी ये मारते हैं, कुछ होते हैं ऐसे ही पागल हो जाते। तो यहाँ से शॉर्टकट, हाँ वो आना शुरू हो गया, आधे किलोमीटर दूर से ही वो गिरना शुरू हो जाता है। और ये यहूदी मार रहे हैं, और इनकी ये जो है एंडर आइज, इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। XP थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, हो सकता है 1-2 बुक्स और एनचांट करना पड़ जाए। 40-45 XP करने के बाद मिलता हूँ। चलो भाई, इसी के साथ भी हमारी 47 हो गई है, एक और मार देते हैं इनको, और ये 48 पूरी हो गई है। तो ये फ़ायदा होता है XP फार्म का, अगर आपके पास अच्छा सा एक बड़ा सा XP फार्म हो तो ये फ़ायदा होता है उसका, जल्दी जल्दी XP पूरी हो जाती है। ऐसे तो काफ़ी दिन लग जाते हैं एक लेवल बढ़ाने में, लेकिन इस तरह से जल्दी बढ़ जाता है। तो यहाँ ऊपर भी मैंने कुछ बिल्ड किया हुआ है काफ़ी टाइम से, ये वैसे ही है। तो मैं मेरे ख्याल से एन्चांटेड रूम में चाह रहा था कि यहाँ पे बना दूँ और वहीं पे सारी अपनी एन्चांटमेंट करूँ, वो भी वहीं पे रह गया। चलो तो अभी बना देंगे, इसके बाद बना चुका था मेरे ख्याल से वो वाला जो है मेरे पास का नहीं है,
डेट अवेलेबल इस वर्ल्ड का, कोई बात नहीं दोबारा से बना लेते हैं। ये सब कुछ बना हुआ है, बस यहाँ पे बुक शेल्फ लगाने हैं, और एक यहाँ पे एन्चेंटेड टेबल मेरे पास बना पड़ा हुआ है, वो लगा देंगे और चलते हैं फिर इसी के साथ ही। ये पानी लगा हुआ है अभी भी यहीं पे, ये है हमारा जाने का, वापस जाने का पोर्टल। तो इस पे भी दोबारा से हम ड्रैगन को जितनी मर्जी बार चाहें तो स्पॉन कर सकते हैं, तो स्पॉन करेंगे उसको भी किसी दिन। इससे तो हम जल्दी फौरन ही बेड पे पहुंच गए, इतना दूर से घूम के आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जल्दी से चलते हैं, अब तो हमारे पास अच्छी खासी इंचांटमेंट है, तो इंचांटमेंट ये एक्सपी है, तो सबसे पहले तो बो पे लगा देते हैं। ये इतना भी हमारे पास है, फ्लेम है, और तीन लैपिस लजूली और तीन लेवल्स लगेंगे, और इस पे आ गया फ्लेम। वो पे सिर्फ फ्लेम आई है, इतना कुछ था, अनियन ब्रेकिंग वेकिंग सब कुछ बता रहा था। चलो कोई बात नहीं, वो बुक्स पे ले लेते हैं, इस तरफ लगा देते हैं, और ये जो जितनी भी बुक्स हैं और ये हैं फालतू की चीज़ें सारे इसमें डाल देते हैं। इन्फिनिट इन्फिनिट तो इन्फिनिटी तो मिला ही नहीं यार, शार्पनेस है यार, इन्फिनिटी मुझे चाहिए मेरे ख्याल से। गांव से उनसे जाके लेनी पड़ेगी, एक मेरे ख्याल से दे रहा था बंदा। ये बनाई हुई है हमने एक अंडर वर्ल्ड की दुनिया, और इसके अंदर हैं बहुत सारे ट्रेडर्स। एक ये है, ये वाला लाइब्रेरियन के पास इन्फिनिटी होनी चाहिए। मेंडिंग है इसके पास, हाँ ये इन्फिनिटी इसके पास, 13 एमरल्ड्स की दे रहा है, और मेरे पास यहाँ पे एमरल्ड पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं पता नहीं, एमरल्ड्स तो नहीं है। हम बहुत देर सारा पेपर बना के इनको बेच के इन्हीं से एमरल्ड लेके और फिर इनसे ये ले सकते हैं। तो ये एक शुगर कैन फार्म अभी हमारे थोड़ा सा काम आएगा, बहुत सा काम आएगा पैसा कमाने में, पैसा जितना भी कमाना है हम यहाँ से कमा सकते हैं। ये इतना बड़ा मैंने शुगर फार्म बनाया था, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से, ये पूरा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली इतना सारा गन्ना जो है बना के हमें, ये देखो ये यहूदी काम करता है ऑटोमेटिक, और एक गन्ना दे देता है ढेर सारा। अब इससे हम गन्ना लेंगे, डाल लेंगे, ये देखो 64 64 के इतने सारे स्टैक्स हैं हमारे पास, काफ़ी है। ये पूरा मेरे ख्याल से मैंने हाल ही कर दिया, तो ये अभी टाइम लगेगा इसको दोबारा से बनने में। ये पेपर बन गए, इतने पेपर्स के बदले हमें कुछ तो एमरल्ड्स मिल जाएंगे, जिससे हम अपनी कुछ खरीद सकेंगे बुक। ये सिर्फ जो इन्फिनिटी बो है ना, इसकी वजह से काम इतना लंबा हो गया, वरना अभी तक तो मैं वीदर को स्पॉन भी कर चुका होता। तो सबसे पहले तो इसको पेपर बेचने हैं, मेरे ख्याल से कम होंगे अभी, 8 हो गए, पूरे 14 हैं, और बाकी 24 का एमरल्ड दे रहा है, 15 हो गए। तो 15 से ये मास्टर है इसलिए थोड़ा सस्ता दे रहा है, तो ये बुक्स दे रहा है, मेंडिंग की बुक सस्ती दे रहा है अभी, पहले 20 की थी अभी ये, और ये ट्रेडिंग करते हैं इसने अपने रेट भी गिरा दिए हैं 10 की, जो 12 की चीज़ थी 10 की हो गई है, और जो 20 की थी वो 17 की हो गई है, थोड़े थोड़े सस्ते हो गए। शार्पनेस 1 की बुक थोड़ी सी महंगी लग रही है, क्योंकि शार्पनेस कम से कम 3 होनी चाहिए थी, और टैग का रेट नहीं कराया इसने। चलो हमें वैसे भी ये इन्फिनिटी चाहिए, एक बुक, बुक कहाँ गायब हो गई है मेरी, बुक तो इधर है नहीं, बुक है कोई इधर इसके पास, ये है। तो यहाँ पे वो इतनी सारी मेरे पास इन्फिनिटी पड़ी हुई है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ उनसे। चलो कोई नहीं, एक ले ही लेते हैं, इसको मैंने बोला हुआ है तो उस पर ले लेते हैं। सो गए, रात हो गई है तो ये थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। एक बिस्तर मेरे लिए छोड़ा हुआ है, तो कौन सा वाला, ये वाला था लाइब्रेरियन, तो इससे ले लेते हैं एक इन्फिनिटी की बुक, हो सकता है रेट थोड़े से और घटा दे चीज़ों के। हाँ 9 कर दिए अब, मेंडिंग मेंडिंग थोड़ी सस्ती दे रहा है, एक मेंडिंग की भी ले लेते हैं, पर नहीं मेंडिंग 16 की है और मेरे पास 5 बचे हैं,
चलो कोई नहीं, जो हमने इन्फिनिटी ली है, बुक्स वगैरह जो हैं इधर रख देते हैं। इन्फिनिटी और ये टूट गया है, कोई नहीं नया बना लेंगे, बहुत आयरन हमारे पास। इन्फिनिटी है और मेंडिंग है, तो इस पर मेंडिंग अगर लगा दें, इन्फिनिटी के ऊपर मेरे ख्याल से मेंडिंग नहीं लगती है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको भी एक्सपेंड करना चाह रहा था ट्रेडर हॉल को, लेकिन वो भी टाइम की वजह से नहीं कर पाया। चलो अभी कर दूंगा, बाद में फिर किसी दिन। यहाँ से बहुत सारा आयरन निकालते हैं और उसमें से बना लेते हैं कुछ। इससे सिर्फ रेल्स जो हैं वो डबल होती हैं, अगर आयरन डबल होता होता तो मज़ा ही आ जाता। तो ट्रिक है अगर आपके पास आयरन डबल करने की तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे ख्याल से तीन चाहिए होते हैं बॉक्स, एक दो तीन, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये इस तरह से कुछ होता है। एनविल की क्या रेसिपी थी, तीन ऊपर और चार नीचे, ठीक है। लाइब्रेरी में एनविल बहुत ज़रूरी है, कोई भी एन्चेंटमेंट करनी हो तो सीधा वहीं से अपनी जगह पे वापस लगा देते हैं। और अब चेक करते हैं कि इन्फिनिटी की जो वो है इसके ऊपर अगर ये लग सकता है तो मेंडिंग लग सकती है। मेंडिंग नहीं लग सकती मेरे ख्याल से, ये गाँव है, इस गाँव को कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं दूर चाहता हूँ कि कहीं पे स्पॉन करूँ। जब मैं एक दो विदर को मार चुका होऊंगा ना, तो तब मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, मुझे पता होगा कि कितना ज़्यादा डेंजरस है वो। या फिर वो जो आइलैंड है उसके पास जो एरिया है वहाँ पे भी एक ट्री है, पता नहीं अकेला लगा हुआ है, विच का हाउस ना हो उधर। तो यहाँ पे हम अपने आइलैंड पे तो आ चुके हैं, यहाँ पे नीचे एक जगह है लावा वाली, उस जगह पे मैं चाहता हूँ कि इसको स्पॉन करूँ। और पहली बार है इसलिए अकेले ही वो जो है मारूँ। अच्छा तो ये विदर का मेरे ख्याल से होता है, जो स्टार सा होता है उसी से बनते हैं हमारे वो जो एक होते हैं ना जिनसे बीम्स ही निकलती है। और तरफ तो वो है स्पाइडर का स्पॉनर है, स्पाइडर का एक्सपी फॉर्म सबसे पहला जो मैंने बनाया था। तो यहाँ से कोई ब्लॉक निकाल के ले गए, यहाँ से नीचे रास्ता बना हुआ है और यहाँ पे है लावा। तो इस लावा के पास पास कहीं पे बनाते हैं। वाटर बकेट भी नहीं साथ लिया यार, इस तरफ चलते हैं, हो सकता है इस तरफ कुछ सेफ कुछ सेफ जगह हो। यहाँ से भी वैसे वही लावा ही आ रहा है। ये पूरी एक माइन शाफ्ट है, तो इस माइन शाफ्ट की कुछ सेफ अच्छी सी जगह हो जहाँ पे मैं स्पॉन करूँ इसको, तो ये ज़्यादा तबाही ना करे, अगर तबाही करे भी तो कोई नुकसान ना हो, थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्पॉन कर देता हूँ मैं, ये स्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ। और मुझे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे है मेरे पास बेड, और अब चलते हैं वापस उसी जगह पे। इसी के साथ ही मुझे थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मिल गए, तो भी भागने में थोड़ी आसानी रही। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे। मेरे ख्याल से इसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, आगे पीछे से स्पेस। अब ऊपर से यहाँ ऊपर कुछ है, तो रास्ता सा बना हुआ है। पहले यहाँ से मैं जाके देख लेता हूँ कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से बंद है। ऊपर से थोड़ी सी जगह पहले बंद कर देते हैं, ज़ॉम्बी आ गए। मैं नॉक बैक में रेयर से लगा हुआ है, इसको काफ़ी दूर फेंक रही है। तो ये जगह यहाँ से बंद करके अब यहाँ पे हम कर सकते हैं स्पॉन। बार लगा दिया मैंने उसके ऊपर, सीधी लगानी पड़ेगी मेरे ख्याल से।
फर्स्ट टाइम से फोन कर रहा हूँ, ज़्यादा पता नहीं है। एक वो अंदर रह गया एरिया, तीसरा ये वाला है तरफ है, तो यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा फौरन। चलो फिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, लास्ट इधर इसके ऊपर लगा देते हैं तो जंप, और ये इसी के साथ ही ये स्पॉन हो गया। ये कुछ कर नहीं रहा है, बस क्या है। और ये उसने हमला करना शुरू कर दिया मेरे ख्याल से, और वो कहीं भाग भी गया है। ओह डायमंड्स मेरे पास थे, लावा बहुत है इधर, लावे की प्रॉब्लम है। शुक्र है मैंने सामान का वो लगाया हुआ है कुछ, वरना ये हाँ चला गया है। रहते तोड़ता तोड़ता ऊपर चला गया, नहीं नीचे ही है। मेरा आर्मर डैमेज हो जाएगा। एक तो इसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा है ना, और लावा भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पता नहीं कितनी बार रिस्पॉन होना पड़ेगा इसको एक को मारने के लिए, तबाही ही बहुत कर रहा है। पता नहीं रास्ता बंद कर देते हैं, डायमंड मेरे सामने है पहली बार और मैं उनको उठा भी नहीं सकता। ये बेहतर है, ओके मारते हैं इसको। कहाँ चला गया, कहीं से तो छुपके मार रहा है मुझे। इतनी पावर 3 की वो है फिर भी इसको कोई सर ही नहीं हो रहा अभी तक, कम ही नहीं हुआ। किधर है कब है ये भी नहीं पता। ओ लावा गलत जगह चूज कर लिया मैंने फाइट के लिए, कोई जंगल या ओपन जगह होनी चाहिए थी। धनिया वो किसको मार रहा है, चले ये लावा बंद करते हैं फिर देखते हैं किधर है। कहीं ऊपर से बाहर निकल गया होगा, और ये डायमंड मिले हैं मुझे काफ़ी टाइम बाद। है किधर नज़र ही नहीं आ रहा है, नज़र आए तो उसको एरो मारूं मैं, ये थोड़ी लाइट हो जाएगी। वो मेरे ख्याल से वो ऊपर है, नहीं वो एरो है, गायब ही हो गया एकदम। अब इसको मैं मारूं कैसे, किधर है किधर नज़र भी नहीं आ रहा अब तो, इसीलिए मैंने उसको कोने में फंसा के मारने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ से भाग गए। एक तो ये लावा बंद करना पड़ेगा, इधर ही इधर ही कहीं पे। ये निकला है, ये भाग गया कहीं पे। भाग जाता है यार अपनी बार, कहाँ पे चला गया।
ये हेल्थ थोड़ी सी भी कम नहीं हो रही। इधर है मारा तो है मैंने इसको। एक्स से ट्राई करता हूँ इसकी हेड पे। नहीं कुछ कुछ असर ही नहीं हो रहा इसको। तो इसको पहले मेरा प्लान था कि इसको मारूंगा, इसके बना के ना ये जो मटेरियल है इसका एक घर सा बनाऊंगा, उसको मार के तो मारूंगा। फिर हेल्थ ही नहीं कम हो रही, हेल्थ इसकी कम क्यों नहीं हो रही, ज़रा भी कम नहीं हो रही। तो ग्लिच है, थोड़ी सी तो कम होनी चाहिए, इतना मारा है मैंने उसको। एक तो ये काला है, इधर अंधेरा इतना है कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लग रही है उसको, मारता हूँ रिपीटली मारता हूँ उसको, लगेगी। थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है इसकी, आज मार के छोड़ूंगा भले ही टाइम लग जाए। एरो एरो जो है ना, एरो से काम होगा, एरो से इसका काम तमाम होगा। सारी जगह इस तबाह कर दिया इसने, सारे डायमंड बाहर आ जाएंगे आज। चलो चलो कोई नहीं, दोबारा दोबारा रिस्पॉन होके ना पैक्स दे मारते। कम हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, ऐसे ही मारेगा, दो तीन दिन में तो मर ही जाएगा। ये बिल्कुल नीचे इसके हेड पे पड़ी है। कहाँ पर है, तीन तीन मुंडियां छोड़ा है इकट्ठे। थोड़ी सी और कम हुई है, थोड़ी सी और कम हुई है, बस थोड़ा सा और। यहाँ नीचे आता होता है ना, हाँ पर है वो है। तो वो की पावर भी खत्म हो रही है। थोड़ी सी और कम हुई है, और मैंने जितने भी बीट करने वाले देखे लोग उनकी तो इतनी ज़्यादा जल्दी से कम होती है, और इसकी जो है ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, या फिर पहली बार इसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। मुश्किल है यार, मैं पता नहीं मेरा ऊपर से क्या क्या तबाह कर दिया होगा, मेरा सामान वगैरह ना चला गया। दो लगी है उसको अच्छी खासी, शॉट से ज़्यादा असर पड़ता है, पर वो शॉट से पास आए तो मारो उसको।
नीचे आए तो उसको मारूं मैं। अब एक बार एक्स पे ट्राई करता हूँ, ये नीचे ही है। एक्स से मेरे हाल से ज्यादा जान गई है उसकी। नीचे आए तो स्पैम कर दूं उसके ऊपर एक ही बार। शुरू में ही किसी तरीके से इसको मार देना चाहिए। और इसकी दोबारा से हेल्थ बढ़ना शुरू हो जाती है मेरे ख्याल से। हाँ ये रिकवर कर रहा है, दोबारा से हेल्थ बढ़ना शुरू हो जाती है। अभी बढ़ी है इसीलिए नहीं मार सकता मैं इसको। फ्लेम और पावर 3 की एरो दें फिर भी नहीं मारा। यार कोई ग्लिच है, कोई गड़बड़ है, यार कोई गड़बड़ है। इसकी पावर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है, देखो दोबारा से फुल हो गई है। ये वार्डन के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है मॉब है माइनक्राफ्ट का, और इसका भी कोई ना कोई हल होगा। दो लगी हैं उसके अच्छी खासी। अभी तो मैंने आर्मर पहना हुआ है, वरना आर्मर के बगैर क्या होता। आर्मर की क्या हालत होगी होगी। आर्मर तो बस तकरीबन मेरा जाने ही वाला है, तो आर्मर मैं सोच रहा हूँ कि उतार के मारते हैं इसको। वैसे भी बार बार हमारे पास पावर है, कोई बात नहीं। इतना टफ मैंने सोचा नहीं था, इतना टफ हो गई। अब ये क्या चीज़ है, विदर रोज। ये मैं वाकई में कोई ग्लिच है, ये मारने के बाद मिलता है ना। 8 विदर रोज है मेरे पास, तो मतलब मैंने 8 बार विदर को हरा दिया है। और विदर की वो चमकीली चीज़ अभी नहीं मिली है मुझे। पर ये कोई वाकई में कोई ग्लिच ही है यार, कोई ग्लिच ही है, ग्लिच ही हो सकता है। विदर रोज है हमारे पास, 8 विदर रोज मारे बगैर कैसे आ गए, कमेंट में बताना मुझे। अभी 8 थे, हाँ अभी 8 ही हैं अभी तक। तो मैंने ये उतार दिया इसलिए जल्दी मुझे मार दिया इसने। एक तो ये इसकी नज़र इतनी तेज है, ये आगे भी देख सकता है पीछे भी देख सकता है, तो ये प्रॉब्लम है। पानी में इसका असर नहीं करता होगा ना। हाँ बे, ये दोबारा दोबारा से फुल हो रही है हेल्थ। और इधर रोज 8 मिल चुके हैं, इसका क्या मतलब है। यार उसको कुछ हो ही नहीं रहा, कोई असर ही नहीं पड़ रहा उसको मेरी। पूरी ऐसे तो ये पूरी ये जगह ही तबाह कर देगा मेरी। तो लावा से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये लावा में डुबकी मार रहा था अभी। मुझे लगता है अगले एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि तो इसका हल मुझे सोचना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता देना, इतना हार्ड हो सकता है मैंने सोचा नहीं था। तो ये यहाँ कहीं से तो नहीं आ गया अभी, तो मैं जल्दी से यहाँ पे
निशान लगा देता हूँ और इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगले एपिसोड में। तो कमेंट में कोई अच्छा सा आइडिया देना इसको मारने का, अगर कोई देख रहा है तो। वैसे तो 0 व्यूज ही आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।